नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल My Simple Home Garden पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अगस्त के महीने में कटिंग से लगने वाले प्लांट्स, और ये सारे जो प्लांट्स हैं परमानेंट प्लांट हैं और बहुत ही इजीली जो है कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसमें जो है मैं एक तरीका जो है कटिंग लगाने का शेयर करूँगी, और वो जो चीज़ है फ्री की ही चीज़ है, हमारे घर सभी के घरों में अवेलेबल होती है, इजीली मिल जाती है। उसमें अगर हम लगाते तो हमारी कटिंग्स बहुत ही आसानी से जो है ग्रो हो जाती है, तो वो भी तरीका इस वीडियो में शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, 15 से 16 प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग जो है आप अभी मतलब अगस्त के महीने में ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी कटिंग है जिन्हें आप अगस्त के महीने में भी ग्रो करते हो तो बड़ी आसानी से जो है ग्रो हो जाएगी। सबसे पहला प्लांट है विद्या का, जिसे मोर पंखी भी बोलते हैं, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया जो है इसमें ग्रोथ हो रही है, और बारिशों में जो है प्लांट्स की जो है डबल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसे जो है मैं हल्का हल्का प्रून भी कर दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से, और इससे जो है हमें कटिंग्स भी मिल जाएगी और हमारा जो प्लांट है वो प्रून भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बारिशों में ये प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं तो इनके हल्के हल्के प्रूनिंग करना भी ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने प्रूनिंग भी कर दी और मुझे कटिंग्स भी कई सारी इसकी मिल गई है। तो इसमें से जो है हम पतली पतली ब्रांच को हटा के जो हल्की सी जो मोटी वाली ब्रांचेस है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, और नीचे की जितनी भी पत्तियाँ हैं उनको जो है हम हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी कटिंग्स को तैयार कर लिया है, नीचे की सारी पत्तियाँ जो है उनको हटा दिया, और ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी पत्तियों को जो है मैंने हल्का हल्का ट्रिम कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने मिट्टी ले ली, और देखिए एलोवेरा, हम सभी के घरों में एलोवेरा होता ही है। तो देखिए इस तरह से जो है छोटे छोटे हम उनके टुकड़े कर देंगे, उसमें जो है हमारी सारी कटिंग्स को जो है फंसा के, तो ऐसी ही जो है कटिंग्स को हमें मिट्टी में इनको दबा देना है, लगा देना है। और ये बहुत ही बढ़िया जो है नेचुरल रोटिंग हार्मोन है, इसमें बहुत ही जल्दी जो है जड़ें बन जाती है। देखिए इस तरह से हमें इनको लगाना है, एलोवेरा के साथ में ही जो है हम इन कटिंग्स को जो है लगा देंगे। तो पहली कटिंग जो है मैं जैसे रेत में ही आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसमें ओनली रेत है और कुछ भी नहीं है, और कुछ थोड़े से जो ब्रिक्स के पार्टिकल्स है और चारकोल के पार्टिकल्स है, दो तरह की सॉइल मीडिया में जैसे मैं आपको लगा के बता रही हूँ। और एक जो है मैंने कटिंग 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड में, उसमें लगा के दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से जो है कटिंग्स को लगा लेना है, अच्छे से हम जो है हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे और पानी देने के बाद में जो है टोटल शेड एरिया में रख देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया है, ड्रेनेज होल को अच्छे से बंद कर दिया है, और देखिए ये है 50% गार्डन सॉइल 50% सैंड। तो इसमें देखिए इस तरह से मैं एक इसमें जो है दो कटिंग्स को लगा रही हूँ। आप जब भी कटिंग्स लगाए, एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाए, कभी कभी जो है हमारी मतलब एक कटिंग लगती है तो बाकी कटिंग जो है हमारी फेल हो जाती है। तो जब भी हम कटिंग्स को ग्रो करेंगे तो एक से ज़्यादा ही हम कटिंग्स लगाएंगे, तो ही जो है हमारी इसमें से कुछ कटिंग तो जो है हमारी लग जाएगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है ब्लीडिंग हार्ट, ब्लीडिंग हार्ट की भी कटिंग जो है आप अभी लगाते हो तो इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और ये जो प्लांट होता है ये वाइन की तरह बढ़ता है, आप देख सकते हो इसके ब्रांचेस कितनी ज़्यादा जो है लैगी हो गई। अभी तो इसमें जो है मेरे यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लगातार बारिश होने के कारण जो है ये प्लांट थोड़ा सा लैगी सा भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स इसकी जो है मैंने दो कटिंग्स ले ली है, और इसकी नीचे की पत्तियों को जो है हम हटा देंगे, और जो नोड एरिया है वहाँ से जो है इनकी कटिंग्स को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने कटिंग्स को कट कर लिया है, और जैसे एलोवेरा जेल में मैं डीप करके लगा रही हूँ, पर आपको जो है वैसे ही लगाना है, एलोवेरा का टुकड़ा लेके उसमें आपको दबा के एलोवेरा के टुकड़े के साथ में ही जो है आपको मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से आपको कटिंग को लगाना है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार जैसे कटिंग लगा रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप लगाते हो कटिंग्स तो आपको इसमें जो है 100% तो नहीं पर 80% 70% आपको रिजल्ट तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है श्रीम प्लांट, ये रेड कलर का है, इसमें येलो कलर भी आता है, लॉलीपॉप भी इसे बोलते हैं, इसकी भी कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए बारिश में इससे इस तरह से एरियल रूट्स भी निकलते हैं, तो इसकी भी जो है हम छोटी सी जो है ब्रांच को कट कर लेंगे, इसकी कोई भी ब्रांच लग जाती है, ये सॉफ्ट वुड कटिंग भी इसकी लग जाती है, ज़रूरी नहीं कि इसकी हमें हार्डवुड कटिंग ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग को ले लिया है, नीचे की पत्तियों को जो है मैं हटा दूंगी, जो जहाँ से जो एरियल रूट्स इसके निकले हैं वहाँ उतना जो एरिया है हम उसको दबा देंगे, पर आपको जो है एलोवेरा के जो टुकड़ा है उसी में जो है डीप करके आपको लगाना है। नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हो ये है पाउडर पफ का, पाउडर पफ की भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में हम ग्रो कर सकते हैं, इसकी भी जो है
हम जैसे ब्रांच लेंगे तो थोड़ी मोटी ब्रांच लेंगे जैसे पेंसिल कट आकार की, इसको जो है हार्डवुड कटिंग जो है लगती है, हार्डवुड कटिंग लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने ऊपर से ब्रांच को कट कर दिया, ताकि मेरा जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा भी हो गया था, उसको हल्का मैंने प्रून भी कर दिया है और उसमें से जो ब्रांचेस निकली उसकी जो है मैं कटिंग भी लगा दूँगी। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स हम जितने भी हमारे गार्डन के जो प्लांट्स हैं उनको हम हल्का हल्का प्रून भी कर दें, जो उसकी जो कटिंग्स बच जाती है उसे हम लगा देते हैं, तो हमारे कई सारे जो है प्लांट्स भी तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से पाउडर पफ की भी कटिंग को इसी तरह से लगाना। यह है रंगून क्रीपर जिसे मधुमालती और झुमका बेल भी बोलते हैं। इसकी भी जो है जब भी हम कटिंग लेंगे तो थोड़ी हार्डवुड कटिंग लेंगे, थोड़ी मोटी वाली ब्रांच, जैसे ग्रीन वाली ब्रांच लेते हैं तो वो नहीं लगती है। और ये जो प्लांट देख रहे हो इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, इस तरह के 20 लीटर की बाल्टी में इसे मैंने लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसी वाली जो है ब्रांच हम लेंगे थोड़ी ब्राउनिश कलर की, देखिए इस तरह से हम कट कर देंगे, तो ये वाली ब्रांच का जो है ज़्यादा चांस होता है लगने का। तो इस तरह से मैंने नीचे से जो है एलोवेरा जेल लगा दिया है, मिट्टी वही है 50% गार्डन सॉइल 50% सैंड, पर आपको जो है एलोवेरा जेल के टुकड़े में उसे डालकर जो है उसके साथ ही जो है लगाना है और अच्छे से पानी दे के जो है हम शेड एरिया में जो है इसे रख देंगे। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मेल, इसके आप फ्लावर्स देख रहे हो ऐसे ग्रीन कलर के हो गए। ये भी जो प्लांट है साल भर फ्लावरिंग करता है बस 2-3 महीने छोड़ के, तो इसकी भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाए। इस तरह से इसके साइड की जो ब्रांचेस होती है उसे हम कट कर देंगे, इसमें इस तरह का मिल्की सैक भी निकलता है, इसे हम अच्छे से धो लेंगे। देखिए मैंने इसको वॉश कर दिया, अब चाहे तो इसे 1 या 2 दिन जैसे आप सूखने के लिए भी रख सकते हो या डायरेक्ट भी आप लगाते हो तो भी लग जाएगी। देखिए इस तरह से हल्के से प्रेस करना है और फ्रेंड्स देखिए थोड़ी सी जो है मैं साइड से भी इसमें मिट्टी डाल दूँगी, इसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है, ये इसके कांटे जो है देखिए इस तरह से लगने का डर होता है। तो देखिए इस तरह से हम साइड साइड से जो है मिट्टी डाल देंगे और देखिए किसी के टूल की सहायता से जो है इसकी मिट्टी को जो है साइड से हम दबा देंगे। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाए, इसकी कटिंग जो है ऐसे ही लग जाती है, इसमें रूटिंग हार्मोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए इस तरह की कटिंग को हम लगा के अभी जो है हम कुछ दिन शेड एरिया में रख देंगे। नेक्स्ट ये प्लांट देख रहे हो ये है पेंटास का, ये नॉर्मल वेराइटी का है, मेरे पास में पिंक कलर, देखिए इसकी जो है सॉफ्ट ब्रांच भी लग जाएगी, सॉफ्ट ब्रांच कटिंग, ऊपर से कोई भी टिप की कटिंग को हम कट करके लगा देंगे, उसी तरह से हम लगाएंगे तो ये कटिंग बढ़िया से ग्रो हो जाएगी। तो इसकी कटिंग भी जो आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो हरशिंगा जिसे पारिजात भी बोलते हैं, देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी आ रही है, इसकी भी जो है फ्रेंड्स आपको कटिंग देखिए इस तरह से लेनी है थोड़ी मैच्योर्ड वाली, तो इसकी भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हो अगस्त के महीने में, क्योंकि ये जो प्लांट है ये नवंबर दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया जो है फ्लावरिंग करता है और इसके फूलों में बहुत ही बढ़िया जो है खुशबू होती है। और देखिए फ्रेंड्स अभी कितनी अच्छी इसमें कलियाँ भी आ रही, इसकी भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है मैक्सिकन पिटूनिया, मैक्सिकन पिटूनिया की भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह की इसकी साइड ब्रांच को कट करके आप जैसे एलोवेरा जेल में डिप करके या उसी में आप टुकड़े के साथ ही इसे मिट्टी में दबा देते तो भी जो है कटिंग बहुत ही आसानी से जो है ग्रो हो जाएगी। डबल चांदनी की भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो, इसमें बहुत ही बढ़िया जो है डबल पेटल के वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है इसमें खुशबू होती है। इसकी भी जो है हम थोड़ी सी मोटी सी ब्रांच लेंगे, देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग को लगा दिया है तो बहुत ही आसानी से जो इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये है फाइकस, तो फाइकस की भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हो, इसकी भी जो है हमें ऊपर की टिप की कटिंग या साइड ब्रांच की कटिंग लेके नीचे की पत्तियों को जो है हमें हटा देना है और सॉइल मीडियम वही लेना है हमें, और जैसे एलोवेरा जेल में जो की टुकड़ा होता है एलोवेरा जेल का उसमें हम फंसा के वैसे ही अगर इसके साथ लगा देंगे तो ये भी कटिंग जो है इजीली ग्रो हो जाएगी। पेडिलेंथस की भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो और ये भी प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से जो है इसकी कटिंग आप पानी में और मिट्टी में दोनों में भी ग्रो कर सकते हो। देखिए मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी काफ़ी सारी, आप देख सकते हो ये मेरा जो है ये कटिंग का बास्केट है, काफ़ी सारी इसमें कटिंग्स लगी है। तो और नेक्स्ट जो आप देख रहे हो पॉइनसेटिया, पॉइनसेटिया की भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो, पर ये अगर आपके पास में ये प्लांट अच्छा पुराना हो और इसकी जो है मोटी सी ब्रांच हो वही लीजिएगा। इसकी ग्रीन वाली जो ब्रांच होती है बीच में से जो है थोड़ी सी ये हॉलो होती है तो ये लगती नहीं है, कटिंग जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसकी जब भी हम कटिंग लगाएंगे हार्डवुड कटिंग लगाएंगे, सॉफ्टवुड इसकी कटिंग मैंने ट्राई करी थी पर लगी नहीं, वो कटिंग गल गई थी।
मिनी चांदनी की भी कटिंग जो है आप अभी ग्रो कर सकते हो। इसकी जो है इस तरह से हम थोड़ी सी मैचर्ड वाली ब्रांच को सिलेक्ट करके कट करके उसी तरीके से हम लगा देंगे तो ये भी कटिंग इजीली ग्रो हो जाएगी। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जो ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसके आप देख सकते हो छोटे छोटे फ्लावर्स कितने सुंदर लगते हैं। तो ये रहा बोगनविलिया। बोगनविलिया की भी कटिंग जो है आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो। और नर्सरी वाले जो होते हैं देखिए इस तरह से जो है मोटी ब्रांच को जो है लगाते मोटी ब्रांचेस के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कटिंग्स लगने के। आप देख सकते हो इसमें कितनी बढ़िया जो है ये कटिंग ग्रो हो चुकी है। तो जब भी हम बोगनविलिया की कटिंग लगाएंगे मोटी वाली ब्रांच लेंगे पेंसिल आकार से थोड़ा बड़ा साइज लेंगे। अभी जो है आप गुलाब की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हो जैसे देसी गुलाब है क्योंकि इनका जो है विंटर सीजन आने वाला है। विंटर सीजन में काफ़ी बढ़िया जो है ये फ्लावरिंग करते हैं। अभी इनकी कटिंग्स लगा देते हैं तो ये हमारे प्लांट्स विंटर में फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग को ले लेना है। थोड़ी मोटी सी हम कटिंग लेंगे पेंसिल कट आकार की। तो देखिए ये मेरी जो कटिंग है काफ़ी बढ़िया जो है ग्रो हो गई। देखिए इसमें कितने बढ़िया जो है न्यू शूट्स भी निकल आए हैं। तो इस तरह से आप अगस्त के महीने में गुलाब की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हो। तो ये थे फ्रेंड्स सारे प्लांट जिनकी कटिंग आप अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हो। तो मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।